गवर्नमेंट नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह की अगर कंडीशन रहेगी हमारे देश में तो किसकी बेटी पढ़ पाएंगे, किसकी बेटी बच पाएंगे। बताओ उनकी सिचुएशन कितना थी, हमारे पास से कुछ नहीं जा पाते। नमस्कार, बुंदेली दर्पण में हम आज आ पहुंचे हैं छतरपुर जिले से लगभग 110 किलोमीटर दूर एक ऐसे गांव में जो आज तक सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से महरूम है। हालात यहां के बस से बदतर हैं, बल्कि अगर बरसात की बात करें तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि यहां से निकलना दूभर हो जाता है। पूरी बरसात भर ये गाँव लगभग टापू में तब्दील हो जाता है। दलदल भरी रास्ता है जहाँ से पैदल बाइक ये साइकिल की बात क्या कहें, ट्रैक्टर तक निकलना नामुमकिन हो जाता है बरसात के मौके में। कई बार हादसे के शिकार भी हुए लोग, बीमारों को इलाज नहीं मिल पाता, जननी और 108 जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता और वजह सिर्फ ये इस सड़क तक नहीं पहुंच पाई है। आज़ादी के इतने साल हो गए, तमाम तरह के विकास के दावे होते हैं और उन दावों की हकीकत बयां करता ये गाँव अपने आप में अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। किस तरीके की समस्याएं हैं गांव में, यहाँ कब से सड़क नहीं है? ये सड़क तो साहब शुरू से नहीं है, 70 साल हो गए। मिट्टी पड़ी थी 50 साल पहले, मिट्टी पड़ी है बस, ना कोई मुरम ना कोई ट्रक चलते हैं, वही डाल देते थोड़ी बहुत मुरम। तो क्या क्या परेशानियाँ होती है? परेशानी है साहब, आदमी मर रहे हैं, हमारी औरतें मर रही हैं, बच्चे महिलाएं हैं, एम्बुलेंस यहाँ पर आ नहीं पाता है, समस्या है। 3-4 किलोमीटर खाली है, मतलब रोड नहीं है इसमें, ये समस्या ना। अभी कल परसों एक और हमारी बहू मर गई है, तब क्या करेंगे बताओ? कितने विधायक सांसद आए यहाँ, हर ने कहा कि आपको रोड बनेगा, लेकिन आज तक किसी ने जो है दोबारा लौट के यहाँ देखा नहीं, रोड बना के नहीं बना के, बनना के नहीं बनना, यह है कि हर बार वोट डालने जाते हैं, हर बार देखो बना के वोट ले जाएंगे, अब काम करना नहीं। कभी कोई अधिकारी यहाँ आया? अधिकारी तो यहाँ आते ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या यह है कच्चा रोड है, कच्चे रोड में अधिकारी चलने के लिए तैयार नहीं, यहाँ आते ही नहीं, आएंगे पहाड़ तक वहाँ भी लौट जाएंगे पहाड़। इस साल तो कम बारिश है, अभी तो ठीक है, बाकी बारिश में कैसे हालात? यहाँ साहब बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते हैं, कोई मरीज हुआ तो मरना पड़ता है, सीधी बात मरना पड़ता है। एम्बुलेंस की समस्या है, एम्बुलेंस आ नहीं पाता है किसी हालत में, आप देख रहे हैं कैसी रास्ता है, कैसे आएगा एम्बुलेंस? ये तो ट्रैक्टर है इधर जा रहा है हमारे, लेकिन एम्बुलेंस का कोई सब नहीं, हम स्वयं का वाहन करें तो स्वयं के वाहन में जा पाएंगे, लेकिन पहाड़ा से यहाँ तक आना नहीं है उसको, जब तक पहाड़ जाते हैं पैदा तो हमारा जो है मरीज मरता है। इतनी गंभीर समस्या है, कहाँ तक क्या है? मतलब आज ये 70-72 साल हो गए, कोई हद होती है कि भी चीज़ की? आज पूरा देश जो है रोडों से भर गया है, हमारा ये कौन सा गाँव है हमारे देश, ये बताओ आप। सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे तमाम स्लोगन अभी भी रावपुर जैसे ग्रामीण इलाकों के लिए बेमानी साबित हो रहे हैं, क्योंकि आज़ादी के इतने दशक बीत जाने के बाद भी इस तरह के गांव के लोग नरकी जीवन जीने को मजबूर हैं। मूलभूत सुविधाओं का ऐसा टोटा कि जुबा थकती नहीं अपनी कहानी बयां करते। गौरिहार ब्लॉक के पहरा ग्राम पंचायत का रावपुर गांव है ये, जहां बरसात के समय में सड़क ना होने की वजह से इस तरह के हालात बन जाते हैं। 3 किलोमीटर कीचड़ से सनी कच्ची रास्ता, जहां ग्रामीण बताते हैं वहीं तस्वीरें भी बयां करती हैं कि पहरा से इनके गांव तक का रास्ता बेहद जोखिम से भरा है, वह कीचड़ से लथपथ है, जहाँ पहुँचने के लिए वाहन तो क्या पैदल चलना भी दूभर हो जाता है बारिश में। गवर्नमेंट नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह की अगर कंडीशन रहेगी हमारे देश में तो किसकी बेटी पढ़ पाएंगी, किसकी बेटी बच पाएंगी बताओ? आए दिन हर मौत, हर बेटी की मौत होती है, किसी की बहू मरती है, किसी की बेटी मरती है, तो गवर्नमेंट ये नारा क्यों लगा रहे हैं? नारा बंद कर देना, क्यों लगाते हैं नारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जननी सुरक्षा योजना है, मात वंदना योजना है, तो किस लिए ये जननी सुरक्षा योजना? किसी को जब अस्पताल नहीं पहुंच पाना है तो जननी सुरक्षा किसको मिलेगी? हालात कैसे हैं आपके? आप बस यही हालात है, पिछड़ा हुआ हमारा गांव है, इसी समस्या के लिए ना कोई यहां व्यवस्था आती है, ना कोई यहां सरकार आती है, ना कोई यहां का ध्यान देता है। विधायक के पास जाओ तो कह देता बन जाएगी, सरपंच के पास जाओ तो बन जाएगी, सिर्फ यहां जब भीड़ लगती है, जब वोट पड़ने होते हैं, जब आती है हर टीम आती है, विधायक की टीम आएगी, सरपंच की टीम आएगी, फिर दोबारा कोई यहाँ गांव को देखने तक नहीं आता कि किस तरह का गांव है, किसकी क्या हालत है, कोई मर रहा है कि जी रहा है। इलाज के अभाव में अभी कुछ लोग अभी जान भी गंवाई है,
क्या हो कई बार 17 साल पहले खुद मेरी जेठानी मर गई थी इसी रोड की वजह से, 5 दिन का बच्चा छोड़ के। अभी 3 तारीख को एक हमारे गांव की बहू मर गई, 3 साल का बच्चा छोड़ के, वो गर्भवती थी, उसके पेट में 2 बच्चे थे, उसको टाइम से इलाज नहीं मिल पाया इसलिए तो वो मर गई। क्यों मरती अगर इसको इलाज मिल जाता टाइम से। लगभग 700 की आबादी वाले रावपुर गांव में शिक्षा के नाम पर महज प्राथमिक विद्यालय है। इसके बाद इस गांव के बच्चे पहरा पढ़ने जाते हैं और गांव से पहरा की दूरी 3 किलोमीटर है। वहीं बरसात के समय में साल दर साल बच्चों की पढ़ाई चौपट होती है, क्योंकि 3 किलोमीटर लंबा रास्ता कीचड़ से सना होने के कारण कई छात्र स्कूल जा ही नहीं पाते। मेरा नाम सुशील कुमार अहरवार है। जी जी सुशील जी, क्या करते हैं अभी, पढ़ते मैं हैं अभी आप? वैसे हाल में पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी उम्र करीब 21 साल हो गई। मैं भी यहाँ इतनी हालतों में पढ़ा हूँ, फिर भी अभी भी कहीं बाहर अगर बच्चे आते हैं तो यहाँ से जा नहीं पाते। मतलब कोई भी बच्चा यहाँ से अपने यहाँ से अभी तक शिक्षित नहीं हुआ, अगर हुआ है तो वो कहीं अपन बाहर रह के घर का रूम खर्चा लेके अपन वहाँ से जाता है और खुद रहता है, तभी वही लड़का यहाँ से निकल पाता है। अर्थात तक यहाँ से कोई लड़का बाहर नहीं जा पाया। मतलब वो भी ये सोच ली कि छोटी पोस्ट भी नहीं है, बड़ी पोस्ट तो बहुत बड़ी हो गई, आज तक वो छोटी पोस्ट में कहीं तक भी नहीं जा पाया। यही हालत है हमारे, सिर्फ ये सड़क की वजह से, और इस सड़क की वजह से हर वर्ष 5 से 6 मौतें हो जाती, क्योंकि अपने यहाँ ना ही जननी सुरक्षा योजना कोई लाभ वगैरह नहीं मिल पाता है। अगर किसी की तबीयत वगैरह भी डिस्टर्ब हो जाती है तब भी यहाँ कोई आने का साधन है नहीं। अगर अपन यहाँ साधन से जाते हैं तो इतना मरीज सीरियस में अगर होता तो बचता नहीं है वो। यही बहुत गंभीर समस्या, हमारी भाभी खत्म हो गई अभी अभी 4-5 दिन हुए हैं, बारिश के कारण जा नहीं पा रहे हैं, ट्रैक्टर खड़ा था द्वारे में, जीप पहरे में खड़ी थी, बहुत समस्या, हालात खराब है, कोई रोड नहीं बनाने के लिए तैयार, प्रधान के पास जाते हैं वो भी नहीं तैयार, बोलते हैं कि बन जाएगा, न हमारे बच्चे पढ़ने जा पा रहे हैं यहाँ से, आज तक कोई पढ़ा हुआ नहीं हमारे गाँव में, सब अनपढ़ है, पढ़ने के लिए कोई जा नहीं पा रहा है, बारिश हो जाती है। 108 है या अन्य सुविधाएं जननी है, ये कैसे गांव में कैसे आ पाती होंगी फिर जब ये? कुछ नहीं है सर गांव में हमारे, कोई लाभ नहीं मिलता हमें यहाँ, ना कोई तरीके कोई अधिकारी आता। लोगों ने सुनाया, विधायक को सुनाया भी, प्रधान को भी सुनाया, सब बोलते हैं बन जाएगा। कलेक्टर साहब भी आए थे अभी गड्डी में, उनको भी सुनाया, CO के पास भी जाने के लिए कोशिश करते हैं गाँव वाले, लेकिन जाते नहीं, अभी जाने के लिए सोच रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को लेकर भी ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। नेता हो या जनप्रतिनिधि, ग्रामीण बताते हैं कि सिर्फ पहरा गांव तक आता है। इस गांव की याद तो सिर्फ चुनाव के वक्त नेताओं को आती है और उसके बाद 5 साल तक सब कुछ भूल जाते हैं। बारिश के मौसम में ट्रैक्टर ही एकमात्र सहारा बचता है, वो भी तब जब बारिश ज़्यादा ना हो। रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए लोग पहरा और गौरिहार तक जाते तो हैं और वापस जाने के लिए फिर इस पेड़ के नीचे बैठे किसी ट्रैक्टर के आने का इंतज़ार करते हैं। उम्मीद और आस लिए बरसों से ये लोग वापस इसी मायूसी को लेकर अपने घर लौट जाते हैं। हमारी टीम ने भी 6 किलोमीटर का सफ़र इसी ट्रैक्टर से तय कर इस गांव के हालात दिखाने की कोशिश की। उम्मीद और इंतज़ार रहेगा कि कब इस गांव तक सड़क पहुंचे और यहां के लोग मुख्य धारा से जुड़ पाएं।